दिग्विजय सिंह को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। 2018 में 15 साल बाद जब एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें दिग्विजय की अहम भूमिका रही। फिर प्रदेश भर में घूमे और कई धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया। कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर दिग्विजय सिंह इस बार भी यही रोल निभा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका कुछ और मकसद भी है। वे एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। सुना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मतलब उनके हर उस काम का चिट्ठा तैयार करते हैं जिससे उन्हें जनता के दरबार में घेरा जा सके। इसकी एक बानगी उस समय देखने को मिली जब हाल ही में एक मंत्री ने दिग्विजय को लेकर बयान दिया तो उन्होंने मंत्री को यह बता दिया कि उनके बेटे ने कितनी ज़मीनें खरीदी हैं और किसके नाम पर रजिस्टर कराई हैं। साफ है दिग्गी राजा मंत्रियों की कुंडली तैयार कर रहे हैं। वो इन सीटों पर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं जो मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र हैं। सुना तो यह भी है कि दिग्विजय बीजेपी के ऐसे नेताओं के भरोसेमंद और करीबियों से संपर्क कर रहे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर प्रभाव है, लेकिन वे हाशिए पर हैं। इनमें ऐसे नेता भी हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की उम्मीद है। वे यहाँ तक जानकारी जुटा रहे हैं कि प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी हैं जो सरकार के इशारे पर आउट ऑफ वे जाकर काम कर रहे हैं। ये भी सुना है कि दिग्विजय सिंह जिस जिले का दौरा करने जाते हैं 3-4 दिन पहले ही उनकी टीम वहां पहुंच जाती है। खास बात यह है कि टीम के सदस्य एमपी के नहीं बल्कि दिल्ली के होते हैं, जो पहले ही पूरा फीडबैक ले लेते हैं और दिग्विजय सिंह को उसकी जानकारी दे देते हैं। इसी के साथ बने